आप देखते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ जो है हड्डियों की विभिन्न प्रकार की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। आइए हम आपको बताते हैं अपने वीडियो में किस तरीके से हड्डियों का भी हमें ख्याल रखना चाहिए, जो उनको पोषक तत्व जो मिलना चाहिए वो किस तरीके से दिया जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि शरीर को हड्डी आकार देते हैं और ये महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करते हैं, चलने फिरने में मदद करते हैं। इसके अलावा हड्डियों का सबसे जरूरी काम अस्थि मज्जा के लिए एक वातावरण तैयार करना होता है, रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब जन्म लेता है इंसान तो 270 कोमल हड्डियां होती हैं, लेकिन धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ सिर्फ 206 हड्डियां रह जाती हैं। इसीलिए हड्डियों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मीठे स्नैक्स, ज्यादा मीठे सेवन करने से हड्डियों के लिए बल्कि सभी अंगों के लिए खतरनाक है। मीठा खाने पर हड्डियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हड्डियों को नुकसान तब हो सकता है जब लोग बहुत अधिक चीनी का सेवन करते हैं, उन्हें आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर भोजन नहीं मिलता। दूसरा, सोडा, यदि आप बहुत अधिक सोडा पीते हैं तो आपकी हड्डियों के लिए हानिकारक हो सकता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि प्रति सप्ताह 7 या अधिक कोला पीने से अस्थि का खनिज घनत्व में भी कमी और फ्रैक्चर का जोखिम बढ़ सकता है। कैफीन को लेकर भी यही बात आती है कि कैफीन हड्डियों से कैल्शियम का रिसाव करता है, उनकी ताकत को कम करता है। ऐसा माना जाएगा प्रत्येक 100 मिलीग्राम कैफीन लगभग 6 मिलीग्राम कैल्शियम को चूस लेता है। फलियां, बीन्स शरीर के कैल्शियम को अवशोषित करने से रोक सकती हैं। कई तरह के बीन्स फाइटेटिस नामक पदार्थ होते हैं, ये कैल्शियम को अवशोषित करने की शरीर की क्षमता कम कर सकते हैं। हालांकि आपको इनसे पूरी तरह से बचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। इन्फ्लेमेटरी फूड, टमाटर, मशरूम, मिर्च, सफेद आलू, बैंगन जैसे नाइट शेड सब्जियां हड्डियों में सूजन पैदा कर सकती हैं, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। हालांकि सब्जियों में उन विटामिन और खनिज होते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होते हैं। पालक में हड्डियों के लिए स्वस्थ कैल्शियम होता है, लेकिन इनमें ऑक्सलेट्स नामक पदार्थ भी होते हैं जो उन कैल्शियम की मात्रा को कम कर सकते हैं। विशेषज्ञ बताते हैं खाद्य पदार्थों के साथ इन पदार्थों को खाने की सलाह देते हैं, जो शरीर में कैल्शियम को अवशोषित करने की क्षमता को बढ़ाती है। उदाहरण के लिए आप यदि पालक खाते हैं तो ऑक्सलेट आपको पालक से कैल्शियम को अवशोषित करने से रोकेगा, लेकिन अगर आप कुछ पनीर डाल देते हैं तो पनीर से कैल्शियम अवशोषित कर सकता है। तो इस तरीके से आपको जो है अपने हड्डियों का भी ध्यान रखना चाहिए और जिससे आपका शरीर मजबूत। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा फेसबुक पेज पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब। आपके राज्य में खबरों की एक नई परिभाषा गढ़ता, आपके हर कदम हर डगर पर साथ चलता, आपके राज्य की हर खबर से रूबरू कराता, खबरों का एक विश्वसनीय नाम lalluram.com। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, दिल्ली, पंजाब की खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए lalluram.com।